हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में। लोग ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, घूमने जाते हैं, तो उसी से संबंधित है कि ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं अपने बैग में क्या क्या रखती हूँ, तो वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये है फ्रेंड्स मेरा ट्रैवलिंग टाइम का बैग। तो ट्रैवलिंग के टाइम पे इस तरीके के बैग हम लोगों को कैरी करने चाहिए, क्योंकि ये बड़े बैग होते हैं, तो इनमें जो हम लोगों की ज़रूरत का सामान होता है तो वो आसानी से आ जाता है, और छोटे बैग में उतना अच्छे से नहीं आ पाता है। तो हम लोगों को ट्रैवलिंग के टाइम पे थोड़ा सा बड़ा बैग लेके चलना है, जिससे कि इसमें मेरा सारा सामान आ जाए। तो इस बैग में मेरा सारा सामान आ गया है जो मेरी ज़रूरत का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि मेरे बैग में क्या क्या है, इस पिटारे के अंदर क्या क्या है। तो खोलती हूँ इसको। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं मास्क से। ये हम लोगों की लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, तो इसको तो हम लोगों के बैग में जरूर होना चाहिए, क्योंकि कोरोना का कोई पता नहीं कब है कब नहीं है। तो अपने सेफ्टी पर्पज से अगर आप लोग बाहर घूमने जाते हैं तो अपने बैग में इस तरीके से एक मास्क तो कम से कम जरूर रखना चाहिए, कि अगर हम लोग ऐसी हॉस्पिटल या कहीं भी एयरपोर्ट वगैरह कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे विदाउट मास्क के अलाउ नहीं है, तो हम अपना मास्क कैरी कर सकते हैं। तो इसलिए अपने बैग में एक मास्क होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके के टिश्यू पेपर तो होने ही होने चाहिए, क्योंकि जब हम लोग सफ़र में निकलते हैं तो कुछ भी अगर खाने पीने का कुछ गिर जाए या कुछ भी, मतलब बच्चे होते हैं साथ में तो कुछ पहुंचने वगैरह को रहता है, तो इसके लिए ये टिश्यू पेपर बहुत ज़रूरी हैं। तो ये तो हम लोगों के बैग में होने ही चाहिए। थर्ड है मेरा ये परफ्यूम। तो परफ्यूम भी अपने बैग में होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग रखते हैं, बहुत से लोग नहीं रखते, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि स्मेल वगैरह आने लगती है, तो थोड़ा सा परफ्यूम तो होना ही चाहिए, चाहे छोटा ही सही लेकिन बैग में होना चाहिए। तो ये मेरा रहा परफ्यूम। आप जब ट्रैवलिंग के लिए निकले हैं तो कुछ तो खाने पीने का भी होना चाहिए बैग में। अगर कहीं मान लो रास्ते में ऐसी जगह पे हैं कि भूख लगी हो, वहाँ पे कुछ भी खाने को नहीं है, तो कम से कम इतना तो मेरे बैग में होना चाहिए कि हम थोड़ा बहुत खा के अपनी भूख मिटा सकते हैं। तो इसलिए बैग में कुछ तो खाने का होना चाहिए, जो आपको पसंद हो वो अपने बैग में ज़रूर रखें जाते टाइम, भले थोड़ा रखें लेकिन ज़रूर रखें, जो मेरे ज़रूरत के टाइम पे काम आ सके। तो ये है खाने का आइटम। तो फ्रेंड्स, अपने बैग में मेडिसिन भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम पेन किलर वगैरह है, उल्टी की है, और जो आपकी मेडिसिन चल रही हो वो मेडिसिन, जैसे मेरी ये थायराइड की मेडिसिन है जो मेरी कंटिन्यू चलती है, तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो उसको ले जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मेरी कंटिन्यू दवाई चलेगी, तो ये एक गोली मुझे रोज़ सुबह खाली पेट खानी होती है, तो मैं इसको रखती हूँ। और साथ में कुछ पेन किलर है, उल्टी लैटिन वगैरह की, ये आम बात है, बच्चे सफ़र में हो ही जाता है, कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो प्रॉब्लम हो गई। तो अपने बैग में कुछ दवाएँ होनी चाहिए जो हमारे ज़रूरत में काम आए। बात करते हैं ये मेकअप किट की। तो अगर लेडीज हैं तो मेकअप तो बहुत ज़रूरी है, अगर हम लोगों के पास मेकअप नहीं तो कुछ भी नहीं, तो मेकअप तो होना ही चाहिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो मेकअप होना ही चाहिए, जो हम लोगों के लिए काम आ जाए सफ़र में। तो उसमें एक तो हो गई ये कंघी, जो ये चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स सबके काम आने वाली है, और एक ये हो गया बिंदी, ये भी बहुत ज़रूरी है, साथ में ये एक लिपस्टिक हो गई, एक हो गया ये फेस वॉश, जिससे आप अपना छोटा सा है मुंह वगैरह धुलना हुआ तो धुल लिया, और एक हो गया क्लेचर, रबर बैंड, और कोई भी वैसलीन या कोई भी क्रीम, मॉइस्चराइजर वगैरह, सर्दियों में मॉइस्चराइजर और गर्मियों में सनस्क्रीन, ये बहुत ज़रूरी है, अपने बैग में होने चाहिए। और सेफ्टी पिन ये भी बहुत ज़रूरी है।
तो ये होना चाहिए। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रह गया है मेरे बैग में इस समय नहीं है, वो है पेपर सोप। पेपर सोप भी बहुत ज़रूरी है अपने बैग में होना चाहिए, कि हम लोगों को सफ़र में हाथ वगैरह धुलने होते हैं तो पेपर सोप आराम से कैरी हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं होती है, तो पेपर सोप बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये है वॉलेट। वॉलेट के बिना तो कुछ होने ही नहीं है, अगर वॉलेट नहीं होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बेकार हैं। जब पैसे ही नहीं होंगे तो एंजॉय कहाँ से करेंगे, तो वॉलेट होना बहुत ज़रूरी है। तो देखें मेरे वॉलेट में क्या क्या है। वॉलेट में होने चाहिए रुपए, तो अभी इस समय मेरे वॉलेट में इतने ही रुपए हैं। क्या क्या है, उसके बाद ये है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। ये भी अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके वॉलेट में ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। तो मैं स्कूटी वगैरह चलाती हूँ तो उसके लिए है। ये है मेरा एटीएम, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो और ये है मेरा आधार कार्ड। आजकल आधार कार्ड के बिना तो सफ़र करना ही मुश्किल है। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो आधार कार्ड तो आपका हर जगह चलता है, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आधार कार्ड तो एक आईडी प्रूफ के तौर पे बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। तो ये हो गए मेरे आईडी प्रूफ वगैरह, वॉलेट हो गया। अब उसके बाद अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो आपके पास आईडी प्रूफ तो हो गया, और आईडी प्रूफ के साथ में आपको एक कम से कम आपके पास फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए इस तरीके की, कि अगर आप कहीं रुकते हैं किसी होटल वगैरह में तो अगर आपके पास आईडी प्रूफ या फ़ोटो नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने बैग में एक फ़ोटो भी ज़रूर रखिएगा। उसके बाद है ये हैंकी। तो हैंकी तो सभी लोग रखते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हैंकी। तो हैंकी हो गया, और ये हो गया, इसके बिना तो कुछ नहीं है। और मास्क अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं। ये है सैनिटाइज़र, तो ये भी अपने बैग में होना बहुत ज़रूरी है। जब से कोरोना हुआ तब से तो ये बहुत ज़रूरी हो गया कि सैनिटाइज़र अपने बैग में होना ही होना चाहिए। तो ये सैनिटाइज़र, ये लिप बाम, ये भी बहुत ज़रूरी है। और पेन, ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये बैग में अगर रहता है तो बहुत आसानी रहती है, कि कहीं भी अगर कुछ भी लिखना है तो फटाफट निकाली और अपना और लिख लिया, तो दिक्कत नहीं होती। वैसे आजकल ये सब काम मोबाइल में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये घर की चाबी, अगर ये नहीं है तो आप घूमने तो चले गए लेकिन अगर वापस आएंगे तो इसके बिना तो आप एंट्री कैसे करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि घर की चाबी आपके बैग में होनी चाहिए, जब आप वापस आएँ तो आराम से अपना घर खोल के घर में जा सकते हैं। तो ये है घर की चाबी। बस यही था मेरे पिटारे में जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। लोगों को शायद इन सब चीज़ों से आपको कुछ मदद मिल सके। अगर आप लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो शायद कुछ इससे हेल्प हो जाए। तो बस इसीलिए आप लोगों से शेयर की। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं अच्छे से अच्छा कोशिश करूँगी कि वीडियो लाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट कम रहता है तो फिर बनाने का मन नहीं करता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।